हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग को मेरे कुकिंग चैनल पे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वो रेसिपी है चिकन कैबेज रोल रेसिपी। ये रेसिपी बनाने में जितना सिंपल से जितना इजी है, पर खाने में बहुत टेस्टी है, मज़ेदार रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी बनाने स्टार्ट करें। यह है कैबेज, बॉयल किया हुआ कैबेज। मैंने पहले कैबेज को अच्छे से वाश करके इसे बॉयल करके ले लिया। यह जब तक ठंडा ना हो ले तब तक इसे ऐसे ही छोड़ के रखना है। ठंडा होने के बाद इसे इस तरीके से एक एक करके पट्टा को खुल के लेना है। बिना बॉयल किए हुए पट्टा खुलने से यह पट्टा ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए इसे 50% तक बॉयल करके लेना है। ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना है, बस 50% बॉयल होने से ठीक है। सो अभी पत्ता से जो ये है उससे इस तरीके से काट के लेना है, नहीं तो यू रोल करते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि रोल अच्छी नहीं बनेगा। तो इसलिए इसे इस तरीके से काट के लेना है सब पत्ता से। मैंने सब पत्ता से इस तरह से काट के ले लिया। और अभी ये है बॉयल किया हुआ चिकन, 200 ग्राम चिकन लिया हूँ मैं। उसके बाद इसे अच्छे से वाश करके इसे बॉयल करके वहाँ से इस तरीके से पीस करके ले लिया। और यहाँ पे मैं अभी ऐड कर रही हूँ, ये है जिंजर, गार्लिक, तीन चार ग्रीन चिल्ली, कोरिएंडर सीड, कुमिन सीड और ओनियन, ओनियन और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मैं अभी ग्रेट करने जा रही हूँ। सो हो गया ग्रेट करना, ये देखिए। सो इसमें मैं अभी और एक टोमेटो ऐड करके उसे भी अभी ग्रेट करनी है। हाँ, ये देखिए अच्छे से ग्रेट हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट स्टेप पे, वहाँ पे मैं पैन टेक करके उसमें ऑयल ऐड करके ले लिया। ऑयल हीट होने के बाद पेस्ट किया हुआ मसाला को मैंने यहाँ पे ऐड करके ले ली। और इसमें मैं अभी ऐड करने जा रही हूँ टर्मेरिक पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट स्वाद अनुसार अपने टेस्टी के अंदर, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। बस सब चीज़ों को देने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके इसे थोड़ा सा फ्राई करके लेना है। कलाते हुए इसे फ्राई करने हैं, ये कहीं ना जाले, इसलिए इसे पास में खड़े होके इस तरीके से चलते हुए फ्राई करके लेना है। फ्राई हो चुका है मसाला मेरी, तो इसमें मैं अभी चिकन को ऐड करके फिर से इसे अच्छे से मिक्स करके बॉयल करके लेना है, फ्राई करके लेना है। सो गैस को मीडियम फ्लेम में ही रखना है। मीडियम फ्लेम में करके इसे इस तरीके से चलाते हुए फ्राई करनी है। अभी ये है ब्लैक पेपर पाउडर, मैंने इसमें 1 टीस्पून ऐड करके लिया हूँ। इसे ऐड करने के बाद फिर से आज इसे मिक्स करनी है। मिक्स करना भी हो गया और मेरी चिकन फ्राई भी ऑलरेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो चलिए नेक्स्ट स्टेप है, अभी मैं कैबेज में इसे रोल करने जा रही हूँ। ये देखिए, अपने अंदाज से हिसाब से यहाँ पे मैं चिकन को ऐड करके रोल्स बना लिया। देखिए इस तरीके से। हाँ, सब कैबेज के पत्ता को मैंने इस तरीके से धीरे धीरे से रोल्स करके बना के ले लिया। हाँ, बन चुका है बिल्कुल रोल्स, ये देखिए। सो अभी चलिए फ्रेंड्स अगले स्टेप है, अभी एक बर्तन लेना है। उसमें मैं अभी
बस साइड सेट करके इसे अच्छे से वहाँ पे ऐड करके ले लेना है इस तरीके से। ऐड करने के बाद ऐड करना हो गया। अभी इसमें मैं अभी ये है सोया सॉस, इसमें मैं अभी टमाटो केचप 2 टीस्पून जैसा ले आया हूँ, और इसमें अभी और थोड़ा सा मिक्स करके लेना है, और इसमें और एक चीज़ थोड़ा सा डालनी है 1 टीस्पून जैसा विनीगर ऐड करके वो सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके लेना है। इसे मिक्स करने के बाद अभी मैं चलिए इसके ऊपर देने जा रहे हैं इस तरीके से धीरे से चारों तरफ देना है। हाँ मिक्स किया हुई 3 चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्स करके ले लिया ऑलरेडी। सो गाइस इसका ऊपर मैं अभी जो पत्ता बचा है उसे ऊपर इस तरीके से करके ले रहा हूँ। ये देखिए हाँ हो गया। अभी मैं इसे एक प्लेट से क्लोज करना है यानी कि बंद करके बस गैस पे बैठा देना है। गैस हाई फ्लेम में भी नहीं है, लो फ्लेम में मैंने मीडियम फ्लेम में करके इसे इस तरीके से 25 या 30 मिनट तक मीडियम फ्लेम में रखना है। सो देखिए फ्रेंड्स 30 मिनट के बाद मेरी केबिस रोल कैसा हुआ देखते हैं। सो इसका ऊपर से पत्ता को मैं साइड करके ले रहा हूँ। सो अभी देखिए कैसा हुआ है मेरी केबिस रोल। अभी मैं इसे एक एक करके प्लेट पे रेडी कर रही हूँ, देखिए सर्व कर रही हूँ। सो गाइस कैसे लगा आप लोगों का मेरे केबिस रोल बनाना, मेरे टिप्स? अगर टिप्स अच्छे लगे तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर इस टिप्स से आजमा के देखना, ट्राई करके देखना, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार रेसिपी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आप लोगों को लाइक कमेंट और शेयर, और अभी भी आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचने के लिए बेल आइकन है पास में उसमें भी क्लिक कर देना। और फिर से मुलाकात होंगे आप लोगों का साथ नए वीडियो नए रेसिपी और नए नए ब्लॉग लेकर। तब तक के लिए अच्छे रहना, स्वस्थ रहना। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।